मग अशा 6 वाजल्यात आणि आता तिकडची पाणी. आज थोड़ी सी एनर्जी लो है, पर यार एनर्जी डालने की कोशिश जरूर की जाएगी. अभी तक खाया तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा खा लेते, असाइनमेंट्स वगैरह कर लेंगे आणि मनंतर अजून खूप काय करायला. वीडियो बनाने बनाने के चक्कर में छिलका चला गया था. सुपर प्रोफेशनल ऑमलेट की वाट लग चुकी है, ऐसे पलटने गया टूट गया और ये जल गया. काम करता हूँ ऐसे ही करके. सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये रात के 3 बजे हुआ था और हाँ ज्यादा दिमाग मत चला वैसा वाला कुछ नहीं था. तो एक्चुअल मैं यहाँ ऐसे बैठा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा नींद नहीं आ रही थी, ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि मैं घूम के आया था बाहर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैठा था और ऐसे पाँव यहाँ पे ऐसे पसार के बैठा था यहाँ पे ऐसे, और फिर जैसे ही मैं ऐसे बैठा था और यह ऐसे है ना, मैं टीवी की तरफ बस देख रहा था. तो टीवी आप समझो ऐसे दिख रहा देखे जा रहा था मैं, क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था तो एकदम ऐसे लग जाती है आँख. आँख सोया नहीं था बट फिर भी मैं ऐसे देखे जा रहा था और अचानक है ना लाइट वाइट बंद थी और अचानक टीवी चालू हो गया. भाई कसम से कह रहा हूँ, मतलब देखो आपको एकदम ऐसे लाइव एग्जांपल देता हूँ. इसे ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पाव है, ऐसे हम देख रहे हैं और ये ऐसे चालू हो गया. भाई कसम से उस टाइम पे अगर मुझे एकदम ठीक लग रहा होता और मैं एकदम ठीक होता ना, मैं इधर से 1 सेकंड में बेड तक पहुँच के सीधा कंबल के अंदर जाके सुबह तक नहीं उठता. भाई इतनी फट गई थी ना, मैं पहले देखा यार मम्मी पापा तो नहीं उठे. बाजू में देखा भाई कोई है नहीं. भाई इतनी पार्टी थी, मुझे लगा भाई भूत भी थे कि क्या बाजू में कौन बैठा है, भाई भूत भी चिल मार रहा है रात को 3 बजे मेरे साथ. फिर बाद में मैंने देखा एक्चुअल में क्या हुआ पता है, मेरा खुद का पोपट हो गया था. तो देखो मैंने ऐसे पाव रखे थे राइट, रिमोट ऐसे 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 था, तो ये जो है ना इससे ऐसे ये दब गया, मतलब इतना स्लाइटली दब गया, मतलब ऐसे समझ नहीं आया कि यार दब गया नहीं दब गया. भाई मैं ऐसे पाव वहीं रख के मैं देख रहा था भाई ये यहाँ पे कोई नहीं है. भाई मतलब मुझे ऐसे लगा भाई यार चिल मारने भूत भी आ रहा है कोई मेरे साथ. सबसे उस दिन मैं नहीं बचने वाला था. तुम सोचोगे कि इतनी रात को टीवी क्यों चालू किया था, सोचा कि यार चलो लोकी आए लोकी देख लेते, तो वो रात को देखने वाला था पर रात को मेरे साथ ही लोकी हो गया. तो मैं सोचा भाई बंद करके सो गया मैं. फिर जब दोस्त के घर पे फुल ऑन पार्टी चल रही होती है, ना यार हे बघ पाणी उठा दिसत पण काय बनवतो तो यश पिझ्झा मस्त बनलेला. तू आता तोडतोय त्याच्या आधीच तोडला. अरे असं नसतं तोडायचं, नरम नरम होते थोडी. तिला गॅस मोठा कर भाई, पाणी टाक. दिस इज वॉटर दिस इज स्पोक फोक काय. अरे रस्साने बनवायचं आहे पाणी. बरोबर आहे, एवढा पाणी रस्ता तू. अरे तू मसाला टाक. अरे अजून एक पॅकेट मसाला राहिले तो टाकायचा. फ्रीज कॉर्नर मराठी मध्ये आपल्याला असं नाही तेलाशिवाय होत नाही. पहिले पहिले ह्याला असं असं करायचं, नंतर जास्त तेलाशिवाय पाणी लागतं त्याने जास्त सिरियसली घेतलं. नाही तेवढं लागणार आहे त्याच्यात. लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स. हा मॅगी मध्ये टाकतो. अरे मंद मती मंद आहे रे, पाण्यात टाकायची असते रे बाळा, मॅगीत नसतं. महापूर आलाय आणि काम नाही. बरोबर आहे तेवढं पाणी खाण केली लय मोठी खाण केली. आपण एक काम करू याच्यावर हे ठेवू म्हणजे होऊन जाईल पाणी. असं वाटतंय साधा पुऱ्यात बुडालेत सगळी घर. पुऱ्यातून निघतील बस. आपने अभी तक देखा होगा ऑइललेस कुकिंग. इधर आओ, इधर देखो क्या लिखा. इधर लिखा है वाटरलेस कुकिंग, कभी देखा है ऐसे? पर इधर लिखा है वाटरलेस कुकिंग. ये महापुर लाया है हमने, ये पुर में डूब चुकी है दोस्तों. काढे लागलेला. वी आर ईटिंग ओम्स वाटर मैगी. आणि हा जर तुम्ही नशिबानी इथपर्यंत पोहोचलाय तर यार प्लीज सबस्क्राईब करून जा. अजून मस्त मस्त व्हिडिओ येतील, लाईक जरूर करा, कमेंट सोडून जा यार. मजा येईल तुम्हाला पण आम्हाला पण वाचायला खूप मजा येते. तर यार मी भेटतो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओत. बाय.